गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास 7, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। वसंत पाठ्य पुस्तक में आज हम पाठ 18, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, धनराज पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ में हॉकी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं धनराज पिल्ले से विनीता जो पांडे है, जिन्होंने ये साक्षात्कार रचित किया है, जिन्होंने लिखा है, उनकी क्या होती है, भेंट होती है। मतलब आपस में जो अपन बातचीत करते हैं वो होती है। उनके जीवन तथा खेल के बारे में कई बातचीत का विवरण दिया गया है कि जो उनकी जो भेंट होती है, मतलब वो एक दूसरे से बात संपर्क में आते हैं। तो जो धनराज पिल्ले हैं, जो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनके जो जीवन के और खेल के बारे में जो बातचीत हुई है उसका विवरण इस पाठ में दिया गया है। तो उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं आज अपन। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था, जिसे अपन इंटरव्यू कहते हैं। किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके बचपन से लेकर, मतलब उसके जीवन के बारे में, स्टार्टिंग टू एंड, मतलब बचपन से उसकी खेल के सफर तक का, जो अपन ने जो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले, उनका विनीता पांडे ने के लिए साक्षात्कार लिया, मतलब इंटरव्यू लिया। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। विनीता खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ पता है? अभिनीता जी हैं जो विनीता पांडे, वो पूछ रही है धनराज पिल्ले से। धनराज, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वह खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। जो धनराज पिल्ले हैं, उनकी हॉकी खरीदने की स्टिक, मतलब जो हॉकी स्टिक होती है जिससे बॉल को मारते हैं अपन हॉकी से, तो उनकी खरीदने की हैसियत नहीं थी। और उनकी जो पहली स्टिक कब मिली उनको, जब उनके बड़े जो भाई थे उनको भारतीय कैंप के लिए चुना गया था, तब उनको उनकी पुरानी जो स्टिक थी वो दे दी। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। कोई भी चीज़ नई हो चाहे पुरानी हो, अगर वो अपनी है तो अपने लिए क्या होती है, कीमती होती है। उसी तरह से जो उनकी जो भाई की, बड़े भाई की जो पुरानी स्टिक थी वो धनराज पिल्ले के लिए क्या थी, बहुत कीमती थी। क्योंकि क्यों थी? क्योंकि वो अपनी खुद की थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली, तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। जो धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, तो कभी खीज से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग है और कई भाव। उसने ठेठे जमीन से उठकर, ठेठे जो थी बंजर जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। तो उसी के बारे में जो विनीता पांडे है वो बता रही है कि जैसा चेहरा, अपनी दुबली कद काटी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू क्या होता है, जो चिड़चिड़ाहट पर होता है वो, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था।
बड़ी मायूसी हुई जब इतना अच्छा काम किया उसके बावजूद कहीं नाम नहीं आए, तो अपन को क्या आती है, एक मायूसी आ जाती है मन में, एक अलग ही मायूस सा जाग जाता है, अपने उदासी आ जाती है। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता अब उनसे और क्वेश्चन कर रही है, प्रश्न पूछ रही है, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा हो कैसा रहा, अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई। धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, मतलब एक पीछे था, एकदम पढ़ लिया ठीक है, पढ़ने में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। मतलब बता रहा है कि मैं पढ़ाई में तो एकदम फिसड्डी था भाई, पीछे था मैं, तो मैं अगर एक चपरासी, मतलब 10वीं तक तो मैंने कैसे भी पास कर ली, उसके बाद का जो मामला था 11th 12th जो उनके, वो नहीं कर पाए। तो अगर वो हॉकी का खिलाड़ी नहीं होता तो एक चपरासी की नौकरी के भी लायक नहीं था वो। तो आज वो ये कह रहा है कि मैं भले ही बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स नहीं हूँ, पर मुझे गर्व है कि मैं क्या हूँ, बैचलर ऑफ हॉकी, जिसे हॉकी का जादूगर कहते हैं धनराज पिल्ले। क्योंकि उनमें था ऐसा, वो बड़ी एक चाव से खेलते थे हॉकी को। उनको आज क्या कहते हैं, हॉकी का जादूगर कहते हैं। हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, धनराज पिल्ले को। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुरक मिजाज क्यों हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा हूँ। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह है, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी छोटी चीज़ें के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है। तो आज अपन ने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।